अक्षरा सिंह ने रितेश पांडे को दे दिया धोखा। जी हाँ दोस्तों, जाने क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल रफ्तार भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रफ्तार भारत को, पाए राजनीति और मनोरंजन की खबर सबसे पहले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, घंटे के आइकन को दो बार जरूर दबा दीजिएगा। अक्षरा सिंह और रितेश पांडे का रिश्ता इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पवन से अलगाव के बाद किसी का साथ मिला तो वह था अक्षरा सिंह का। पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह को कोई साथ दिया तो वह थे रितेश पांडे। और रितेश और अक्षरा की जोड़ी को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। बता दें कि इनकी राजा राजकुमार, दबंग दामाद और मजनुआ तीन फिल्में इन्होंने कंप्लीट कर ली और चौथी फिल्म एक कर रहे हैं जिसका नाम है डॉली। तो अब बता दें कि अक्षरा सिंह ने कैसे दे दिया रितेश को धोखा। जी हाँ दोस्तों, रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में डॉली फिल्म में अक्षरा बनी है एक लुटेरी दुल्हन, जिसमें रितेश पांडे को वह ठग देती है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म की यही कहानी। और इस बात का खुलासा खुद अक्षरा सिंह ने ही किया। जब उन्होंने रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने रितेश को धोखा दिया है तो सभी वहाँ पे चौंक गए और यह सोचने लगे कि यह क्या बोल रही है। तभी उन्होंने कहा कि मैंने तो अच्छी तरह से रितेश पांडे जी को लूट लिया है। तो सब सोचने लगे कि आखिर अक्षरा सिंह ने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन तब उन्होंने बताया कि मेरे फिल्म डॉली में मेरा जो किरदार है वह एक लुटेरी दुल्हन का है, तो इसीलिए मैंने रितेश पांडे को अपने दूल्हे को ही लूट लिया। तो जाने क्या हुआ, मतलब वहाँ उसके बाद रितेश और अक्षरा दोनों ही हंसने लगे और इंटरव्यू काफ़ी मज़ेदार रहा। हम तो यही कहेंगे कि अक्षरा सिंह की फिल्म डॉली ऐसे ही सुपर डुपर हिट रहे और भोजपुरी में यह दोनों आगे बढ़ते रहे। तो भोजपुरी की ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर